राजसमंद जिला लैंगिक अपराध और विशेष न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाडिया ने बताया कि 19 अप्रैल 2021 को मोगाड़ा निवासी प्रार्थिया ने अपने पति और बेटी के साथ आकर नाथ द्वारा थाने पर बालका कुआ मोगाला निवासी पन्नालाल पिता ओंकार भील के खिलाफ उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। प्रार्थिया ने बताया कि 18 अप्रैल को शाम 4 बजे उसकी पुत्री खेतों में बकरियां चराकर वापस घर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में पन्नालाल ने उसका मुंह दबाकर नीचे गिराकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान के बाद 9 अगस्त को राजसमंद के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया, जो प्रकरण में लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई और ट्रायल के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी पन्नालाल गमेती को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद ने आज 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। 19/4/2021 को पीड़िता की माता ने नाथद्वारा पुलिस थाने में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री, नाबालिग पुत्री, जो खेतों में बकरियां चराकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी पन्नालाल गमेती ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उस घटना पर पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय राजसमंद ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से 13 गवाह तथा 17 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी पन्नालाल गमेती को धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता में 20 साल कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माना व धारा 341 भारतीय दंड संहिता में 1 माह का साधारण कारावास तथा 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।